वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल, और जहां पर हम लोग आज बात कर रहे हैं गेट एक्सेल माइक्रोबायोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो यहां पर ऑलरेडी मैंने ये सेक्शन नंबर इसके, ये गेट लाइफ साइंसेस का सिलेबस है जिसमें 9 और 7th वाला कर रहे हैं और 4th चैप्टर, 4th सेक्शन कर लिया है। ये गेट एक्सेल माइक्रोबायोलॉजी का, जिसमें 4th सेक्शन हो गया है, 7th सेक्शन चल रहा है और इधर से मैंने 9th कर लिया है। तो यहाँ पर भी मोस्टली कंप्लीट हो गया। आज ये रिमेनिंग टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, जिसमें कॉमन रेगुलेटरी मैकेनिज्म इन सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड एंड रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक मेजर मेटाबॉलिक पाथवे को देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। यहाँ पर आज के सेशन में सबसे पहले हम लोग देखते हैं अमीनो एसिड सिंथेसिस के बारे में। तो यहां पर अमीनो एसिड सिंथेसिस के बारे में, यहां से जनरली डिटेल में क्वेश्चन नहीं आता, इसको सिंपल यहां मैकेनिज्म समझना है, इसको ऐसे ही बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं समझना है। कॉमन रेगुलेटरी मैकेनिज्म लिखा हुआ है, तो आपको सारे अमीनो एसिड का नहीं स्पेसिफिक डिटेल में पढ़ना है, कॉमन पढ़ना है। तो देखिए, अमीनो एसिड बना होता है CCOOH और NH2H और यहाँ पर साइड चेन। तो ये बना होता है एक तो अमाइन ग्रुप से, ये इस तरफ अमाइन ग्रुप है, और उसके बाद रिमेनिंग पोर्शन जिसको हम लोग बोलते हैं अल्फा कीटो ग्लूटरेट या अल्फा कीटो एसिड। ये दो चीज़ों से बनाता है, एक अल्फा कीटो एसिड। अल्फा कीटो एसिड क्या है? आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर एच, ये या यहाँ पर मैं और यहाँ पर सॉरी ये इस तरीके से सी डबल ओ एच, यस ये अल्फा कीटो एसिड। अल्फा पोजीशन पे कीटोन है और दूसरा ये इसके साथ में क्या रहेगा? NH2 ग्रुप। तो इसी से अमीनो एसिड की सिंथेसिस होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अमाइन ग्रुप जो ये पहला कंपोनेंट है, ये कहाँ से आता है। तो अमोनिया का फॉर्मेशन हम लोग अब देख रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फर्स्ट स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप है अमाइनो एसिड का। तो यहाँ पर अमोनिया का फॉर्मेशन, न्यू अमोनिया का फॉर्मेशन यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन से होगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो कि दोनों कंबाइन करके क्या फॉर्म करेगा? NH3 मॉलिक्यूल अमोनिया। तो ये बैलेंस हो जाएगा, ये 6 होगा, ये इस तरीके से। इस प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन मोस्टली बायोलॉजिकल हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, क्योंकि बायोलॉजी से रिलेटेड है, बैक्टीरिया माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के अलावा क्लाउड में सब वॉट फॉर्मेशन होता है, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी होता है, लेकिन वो नहीं पढ़ना। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो मोस्टली बैक्टीरिया करते हैं, बैक्टीरिया में बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, एस्पैरोलिना, नॉस्टॉक, एनाबिना, ऑक्सीटोरिया, ये सब सारे क्या करेंगे? अपने किसी पार्टिकुलर सेल के अंदर जिसको हम लोग हेट्रोसिस्ट बोलते हैं, इस सेल के अंदर नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेंगे और इसके अंदर क्या होगा? एनएरोबिक एनवायरनमेंट, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन स्ट्रिक्टली एन एरोबिक कंडीशन में हो सकता है, क्योंकि ये रिडक्शन प्रोसेस है। इसके लिए जो एंजाइम इन्वॉल्व है उसको बोलते हैं नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजिनेज एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होता है? बैक्टीरिया। सिर्फ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया कर सकता है, कोई और लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कर सकता। बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे
और ये सॉयल में रिलीज करेंगे, सॉयल से ये प्लांट के अंदर चला जाएगा। हम लोग नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं कर सकते या इवन प्लांट नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन है उसके लिए नाइट्रोजनस एंजाइम ये ऑक्सीजन सेंसिटिव है, यानी ऑक्सीजन अगर ये मिला तो ये काम करता है, इसीलिए यहाँ पर फोटोसिस्टम सेकेंड एब्सेंट होता है। कहाँ? जिस सेल में ब्लू ग्रीन एल्गी, आपको मालूम है जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के अलावा ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, और फोटोसिंथेसिस जब करेंगे तो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करेंगे। तो जिस स्टेप से ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है वो इसको ब्लॉक कर देंगे उस पर्टिकुलर सेल में जिसमें नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो रहा है। तो हेटरोसिस्ट में हो रहा है, यहाँ पर फोटोसिस्टम सेकेंड एब्सेंट होगा जिसकी वजह से O2 का प्रोडक्शन नहीं होगा, क्योंकि O2 जब मिलेगा तो ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं हो सकता। फिर दूसरा आ रहे हैं थिक सेल वॉल होंगे, थिक सेल वॉल होगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करें थिक सेल वॉल के बाद में कि यहाँ पर सम टाइम हाई मेटाबॉलिक रेट होते हैं जिसकी वजह से अगर ऑक्सीजन मिल भी रहा तो रेस्पिरेशन इसकी वजह से इसको यूटिलाइज कर देंगे, ऑक्सीजन को कैप्चर कर लेंगे। सम टाइम दूसरे प्रोटीन होते हैं लाइक लेग हेमोग्लोबिन, वो भी ऑक्सीजन को एस्केवेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब आ रहे हैं दूसरी चीज़ कि इस पूरे प्रोसेस में नाइट्रोजन, ये मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन जो यूज हो रहा है यहाँ पर और 2 मॉलिक्यूल ऑफ एमोनिया बना रहा है, इस पूरे प्रोसेस में 16 ATP इन्वॉल्व होता है। 16 ATP प्रोड्यूस जो ये है 16 ATP इन्वॉल्व होता है और उससे एनर्जी रिलीज होता है इन फॉर्म ऑफ 16 ADP प्लस 16 PI और इससे ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा जिसकी वजह से ये सिंथेसिस फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये हाईली एंडरथर्मिक रिएक्शन है, हाईली अनफेवरेबल रिएक्शन है, इसलिए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। इसलिए वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन या वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इसके लिए 16 ATP की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ओके, ये समझ में आया। इससे 2 एमोनिया बनता है। अब आ रहे हैं कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन तो हो गया, एमोनिया बन गया 16 ATP। अब ये एमोनिया जब बन गया तो ये इस इतना ज़्यादा कॉस्टली प्रोसेस है, इसलिए मोस्ट ऑफ द एमोनिया जो होता है हमारे बॉडी में वो रिसाइकल्ड होंगे, मोस्ट ऑफ द एमोनिया। बहुत कम नया बनाया जाएगा बैक्टीरिया के केस में या बैक्टीरिया के थ्रू। हमारे बॉडी में मोस्टली एमोनिया का रिसाइकलिंग होता है, क्योंकि ये इसीलिए नाइट्रोजन जो होते हैं वो लिमिटिंग फैक्टर में आते हैं। आपको मालूम होगा कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम ये 3 ऑर्डर है। सबसे ज़्यादा लिमिटिंग फैक्टर होता है नाइट्रोजन, फिर फॉस्फोरस, पोटाशियम। किसके लिए? प्लांट के केस में, क्योंकि प्लांट के केस में ये बनाना बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा लिमिटिंग फैक्टर होते हैं, यानी ग्रोथ इन्हीं के ऊपर डिपेंड करेगा। अब आ रहे हैं यहाँ पर नेक्स्ट थिंग कि ये एमोनिया बन गया, अब ये एमोनिया को इनकॉर्पोरेट किया जाए। एमोनिया जो बन गया या तो रिसाइकिल से आया हो या नया बना हो, इसको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा अल्फा कीटो ग्रुप एसिड में और यहाँ से एमाइनो एसिड बनाया जाएगा। तो अब आ रहे हैं सेकेंड स्टेप की, अल्फा कीटो एसिड कहाँ से आएगा? सेकेंड स्टेप, तो अल्फा कीटो एसिड जनरली आते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस से, मेटाबॉलिक पाथवे या प्रोसेस पाथवे ऑफ आइदर, यहाँ पर इंटरमीडिएट जो सबस्ट्रेट हैं ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे वो एक्ट करेंगे एज ए अल्फा कीटो एसिड, जैसे ग्लाइकोलाइसिस के पाथवे से बनता है पाइरुवेट, और पाइरुवेट जो है अल्फा कीटो एसिड की तरह काम कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये है पाइरुवेट का, तो ये तो अल्फा कीटो एसिड है, आर ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड ओ है, सी डबल ओ एच है, ये बिल्कुल पाइरुवेट क्या है, अल्फा कीटो एसिड, तो अल्फा कीटो एसिड। दूसरा मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस के अलावा TCA साइकिल में जब अल्फा कीटो ग्लूटरेट बनता है, ये भी ये पाइरुवेट 3 कार्बन का है
अल्फा कीटो एसिड और ये है फाइव कार्बन के। देखिए इसके स्ट्रक्चर कैसे होंगे, इसका स्ट्रक्चर होगा सी एच टू नेगेटिव सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू एंड सी एच थ्री, ये अल्फा कीटोग्लूटरेट। ठीक है, यहाँ पर कीटो अल्फा कीटो ग्लूटरेट, तो यहाँ पर ये भी एक्ट कर सकता है। ग्लूटामेट का स्ट्रक्चर क्या होगा, सी डबल ओ एच एन एच टू एच सी एच टू स्पॉटेड ग्लूटामेट सी डबल ओ माइनस। ओके, यहाँ पर क्या होगा, ये वाला अल्फा कीटोग्लूटरेट में ये टर्मिनल पोजीशन पे सी डबल ओ माइनस होगा, ये होगा। तो ये अल्फा कीटोग्लूटरेट है, तो ये भी क्या होगा, ये भी काम करेगा किस तरीके से, अल्फा टी सी साइकिल यानी अल्फा एसिड काम करेगा। अब जब इन दोनों पर पाइरुवेट पर जो कि अल्फा कीटो एसिड है, ये वन एग्जांपल अल्फा कीटो एसिड का, और इस पर आएगा अमोनिया बना हुआ, और जब ये दोनों अटैच हो जाएंगे तो ये स्ट्रक्चर कैस में कन्वर्ट करेगा, ये पाइरुवेट का है और ये डबल बॉन्ड था ओ, अब यहाँ पर ये हटकर ये आ जाएगा एच, और इस तरफ में अमोनिया अटैच हो जाएगा और यहाँ पर सी डबल ओ माइनस है ही, क्योंकि पाइरुवेट का स्ट्रक्चर कैसा था, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल ओ एच, तो यहाँ पर एक एच आ गया, यहाँ पर अमोनिया एसोसिएट हो गया ऊपर सी एच थ्री, तो ये किसका स्ट्रक्चर है, एलानिन का, एलानिन इज एमाइनो एसिड, तो ये अमाइनो एसिड बन गया। इसी तरीके से अल्फा कीटो ग्लूटरेट पर जब एमोनिया एसोसिएट होता है तो ये बनाता है ग्लूटामेट, तो ये अनदर एमाइनो एसिड है, और ग्लूटामेट पर अगर अनदर एमाइनो एसिड एमोनिया ऐड हो गया NH3, तो ये बनाएगा ग्लूटामीन। होप सो ये समझा। इसी तरह से सक्सिनाइल को एंजाइम ए या सक्सिनेट में जब एमोनिया का एडिशन होता है तो ये बना सकता है एस्पार्टेट, और एस्पार्टेट में जब एमोनिया का एडिशन होगा तो ये बना देगा एस्पाराजीन। तो बस इस तरीके से यहाँ पर देखिए कितने अमीनो एसिड बन गए, पांच। तो ये जनरल समझना है कि अल्फा कीटो एसिड और एमोनिया कंबाइन करता है तो ये फॉर्म करेगा, अल्फा कीटो एसिड कहाँ से आएंगे तो ये समझना है, और एमोनिया कहाँ से आएगा, बस यही जनरल आपको समझना है इस टॉपिक में। अब मैं यहाँ पर एक डायग्राम दिखा रहा हूँ जो लेलिंजर बुक का है। लेलिंजर बुक में देखिए ये दिया हुआ कि अल्फा कीटो एसिड इन सब जगह से आएगा। तो देखिए यहाँ ग्लूकोज है, ये क्या है ग्लूकोज, और ग्लूकोज यहाँ बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ये 4 स्टेप में राइबोलोज 5 फॉस्फेट बना और हिस्टिडीन में बन गया, तो अल्फा कीटो एसिड इस हिस्टिडीन में आया। 3 फॉस्फोग्लिसरेट देखिए इस तरफ में सेरीन बना रहा है, ये फिर अमीनो एसिड है, और इस तरफ एरिथ्रोस 4 फॉस्फेट और ये करके ट्रिप्टोफैन फेनाइल एलानिन और टायरोसिन बना है, तो ये ट्रिप्टोफैन फेनाइल एलानिन टायरोसिन जो एरोमेटिक अमीनो एसिड है उसका प्रिकर्सर कौन है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, फिर इधर सेरीन बना रहा है, फिर फॉस्फाइनोल पाइरुवेट ग्लाइसिन और सिस्टीन बना रहा है, और पाइरुवेट यहाँ पर एलानिन, देखिए इसी को मैंने डिस्कस किया था एलानिन को, देखिए एलानिन बना रहा है, उसके अलावा वैलिन ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन में ये कार्बन के चेन को डोनेट करेंगे। अब आ रहे हैं ये सिट्रेट टीसीए साइकिल में चला गया, ग्लाइकोलाइसिस हुआ टीसीए साइकिल में, उसका सिट्रेट बना, सिट्रेट कन्वर्ट किया अल्फा कीटोग्लूटरेट, और अल्फा कीटोग्लूटरेट देखिए ग्लूटामेट में कन्वर्ट किया, यही मैंने डिस्कस किया था, और फिर ये फर्दर एक्स्ट्रा एक एमाइनो एमाइन प्लग कर ग्लूटामीन में बन जाएगा, यहाँ पर अल्फा कीटोग्लूटरेट एमाइन लग ग्लूटामेट बना दिया, ग्लूटामेट में एक्स्ट्रा एमाइन लग ग्लूटामीन बन गया, ग्लूटामीन फिर प्रोलिन और आर्जिनिन बन सकता है। इसी तरीके से ऑक्सलो एसिटेट कन्वर्ट किया एस्पार्टेट में, एस्पार्टेट तो ये एस्पार्टेट में कन्वर्ट किया, और एस्पार्टेट फिर एस्पाराजिन मेथियोनिन से टायरोसिन लाइसिन बना। तो इतना याद नहीं रखना आपको, ये याद रखना है कि अल्फा कीटो एसिड होगा
और उसमें एमोनिया ऐड होगा और ये दोनों मिलकर एमाइनो एसिड बनाएंगे। ये आएगा नाइट्रोजन फिक्सेशन से, नाइट्रोजन फिक्सेशन इन बैक्टीरिया, या फिर आएगा रिसाइकलिंग प्रोसेस से। और अल्फा कीटो एसिड कहाँ से आएंगे? इंटरमीडिएट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस या फिर टीसीए साइकिल। बस इतने ही समझ। अब आ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज रेगुलेटरी ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे, जनरल रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे के बारे में बात करेंगे, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस सेक्शन, रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे। तो मेटाबॉलिक पाथवे को रेगुलेट करने के लिए बहुत सारे यहाँ पर मैकेनिज्म है। सबसे पहला हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे फीडबैक इनहिबिशन। ये क्या होता है? जैसे कोई सबस्ट्रेट है वो मल्टीपल स्टेप में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाता हुआ और उसने प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, ये क्या हो गया? इंटरमीडिएट स्टेप्स, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, और ये वाला इनिशियल सबस्ट्रेट है और ये है फाइनल प्रोडक्ट। अब सपोज फाइनल प्रोडक्ट का ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। अच्छा, ये भी समझना है कि ये एंजाइम फर्स्ट है जो सबस्ट्रेट को इंटरमीडिएट फर्स्ट में कन्वर्ट कर रहा है, ये एंजाइम टू है जो इंटरमीडिएट फर्स्ट को इंटरमीडिएट टू में कन्वर्ट कर रहा है, ये एंजाइम थ्री है जो आई टू को आई थ्री में कन्वर्ट कर रहा है, और ये एंजाइम फोर है जो आई थ्री को आई फोर में कर रहा है, और फाइनली एंजाइम फाइव आई फोर को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है। तो अगर फाइनल प्रोडक्ट इज नॉट यूटिलाइज्ड, तो जब ये नहीं यूटिलाइज होगा तो ये एकुमुलेट करेगा। तो जब एकुमुलेटेड प्रोडक्ट होता है जो प्रोडक्ट, वो फीडबैक इनहिबिशन देता है फर्स्ट स्टेप वाला एंजाइम को, ये इस एंजाइम को। तो ये याद रखना है कि हमेशा फीडबैक इनहिबिशन, इसी को कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन का मतलब है कि व्हेन प्रोडक्ट इज नॉट यूटिलाइज्ड इट इज़ गोइंग टू ब्लॉक द फर्स्ट एंजाइम विच इज कन्वर्टिंग इनिशियल सब्सट्रेट इनटू इंटरमीडिएट फर्स्ट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। ये E2, E3 और E4 और E5 को ब्लॉक नहीं करेगा, कौन? फाइनल प्रोडक्ट, ये E1 को करेगा। तो E1 को ही क्यों करता है ये समझना है। E1 यहाँ पर हमेशा रेगुलेटरी एंजाइम होंगे। अब यहाँ पर रेगुलेटरी एंजाइम का कॉन्सेप्ट आया। रेगुलेटरी एंजाइम मल्टीमेरिक होते हैं, इसके बारे में दो तीन चीज़ें समझ ले कि ये मल्टीमेरिक एंजाइम होगा, यानी मोर देन वन सब यूनिट का बना होगा, और ये इसके जो सबस्ट्रेट बाइंडिंग यानी माइकलिस मेंटेन इक्वेशन ये फॉलो नहीं करता, क्योंकि माइकलिस मेंटेन इक्वेशन सिंगल सबस्ट्रेट और सिंगल सब यूनिट प्रोटीन पे अप्लाई होता है। लेकिन अगर इसके बारे में बात करें कि माइकलिस मेंटेन यहाँ पर या सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करके ये कैसा ग्राफ शो करेगा, तो ये करता है सिग्मॉइडल। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, सिग्मॉइडल कर्व। हमेशा याद रखिएगा मल्टीमेरिक प्रोटीन या रेगुलेटरी प्रोटीन, या दूसरा इसी का नाम है एलोस्टेरिक प्रोटीन। तो ये हमेशा सिग्मॉइडल कर्व शो करेगा जो शो करता है कॉपरेशन, ये या शो करता है सेंस टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट, ये सेंस कर सकता है सेंस इन चेंज ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में सब्सट्रेट कम हुआ ज़्यादा हुआ उसके अकॉर्डिंग ये काम करेगा। तो अब ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बन गया तो ये पहला एंजाइम के साथ में बाइंड करके इसको ब्लॉक कर देगा। तो हमेशा याद रखना है कि पहला एंजाइम यहाँ रेगुलेटरी एंजाइम होगा, उसी को ब्लॉक करेगा। बाकी ये सब कैसे एंजाइम है? ये सिर्फ इक्विलिब्रियम पे काम करेंगे। अगर I1 ज़्यादा हो गया तो I2 बना देगा, और I2 ज़्यादा हो गया तो I1 बना देगा, यानी ये सब इक्विलिब्रियम पे काम करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट। तो ये रेगुलेटरी एंजाइम नहीं हो सकते, ये सब माइकलिस मेंटेन वाले इक्वेशन है, सिंगल सब यूनिट प्रोटीन, जैसे मायोग्लोबिन MB, ये ठीक है। तो इसके MB का ग्राफ या माइकलिस मेंटेन सिंगल सब यूनिट वाला कैसा ग्राफ होता है? ये होता है सिग्मॉइडल हाइपरबोला, ठीक है, वो याद रखना है। वो कॉपरेशन नहीं शो करता, वो इनसेंसिटिव ग्राफ होते हैं। ये बहुत ही सेंसिटिव ग्राफ है। सेंसिटिव ग्राफ का मतलब होता है
जो थोड़ा सा भी चेंज हुआ ह्यूज चेंज दिखेगा इसमें। ओके तो ये पहले ही वाले पहला, तो इसका मतलब पहला एंजाइम हमेशा रेगुलेटरी एंजाइम होना चाहिए। आंसर है यस, किसी भी मेटाबॉलिक पाथवे का फर्स्ट एंजाइम मोस्ट ऑफ द केसेस में रेगुलेटरी एंजाइम होता है और वो फाइनल प्रोडक्ट वहीं जाके बाइंड करेगा और ब्लॉक कर देगा इस पाथवे को। तो पहला एंजाइम रेगुलेटरी एंजाइम क्यों होता है, क्योंकि अगर यहाँ पर ये प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं तो सबस्ट्रेट को इधर अंदर की तरफ आई वन और आई टू आई थ्री बना के ब्लॉक नहीं करना है। अगर सपोज ये प्रोडक्ट आई थ्री को ब्लॉक करता तो E1 और E2 एक्टिव रहते हैं और ये I1 बन जाता, तो I1 बन जाता तो ये तो ब्लॉक हो गया ना बीच में। अभी यहाँ पर सब E1 को अगर ब्लॉक कर रहा है तो सबस्ट्रेट अब कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा और सबस्ट्रेट अब इस पाथवे को नहीं फॉलो करके अब वो सिंथेसिस या एनाबॉलिक पाथवे में जाएगा। सपोज ये वाला कैटाबॉलिक पाथवे था ब्रेक डाउन, तो अब कौन सा जाएगा एनाबॉलिक पाथवे, या फिर ये एनाबॉलिक था तो ये कैटाबॉलिक पाथवे में जाएगा। ठीक है, होप सो ये समझा। तो इसको बोलते हैं फीडबैक इनहिबिशन। इसी तरीके से फीडबैक एक्टिवेशन भी हो सकता है। सपोज अगर फाइनल प्रोडक्ट बहुत कम हो गया और ज़रूरत है तब ये फीडबैक इनहिबिशन हट जाएगा, इसको एक्टिवेट कर दिया जाएगा, क्योंकि इसके पास में रेगुलेटरी एंजाइम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके पास में रेगुलेशन हो सकता है। रेगुलेशन पॉजिटिव रेगुलेशन भी हो सकता है, यानी एक्टिवेटर जरूरत पड़ा तो उसको इन्हेंस करो एक्टिवेटर, या रिप्रेसर जिसको नेगेटिव बोले तो रिप्रेसर जिसको ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया। तो पहला पाथवे समझ में आया, पहला टाइप का। तो फर्स्ट टाइप होता है रेगुलर फीडबैक इनहिबिशन। अब आ रहे हैं सेकेंड टाइप में यहाँ आएगा हम लोग का फॉस्फोराइलेशन। ये भी ऑलमोस्ट टू थर्ड, यानी पूरे तीन अगर मेटाबॉलिक एंजाइम है तो उसमें से दो फॉस्फोरिलेशन और डीफॉस्फोरिलेशन से रेगुलेट होते हैं। डीफॉस्फोरिलेशन तो स्विच ऑफ और स्विच ऑन, स्विच ऑफ और ऑन मोड किसकी वजह से होता है फॉस्फोरिलेशन। ये कोवेलेंट मॉडिफिकेशन है। कोवेलेंट मॉडिफिकेशन का मतलब है यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, और ऊपर वाला क्या था, ये कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, ये वीक इंट्रैक्शन है, इसलिए ये रिवर्सिबल हो जाते हैं। यहाँ पर वीक इंट्रैक्शन यानी इस प्रोडक्ट जो एंजाइम के साथ बाइंड करेगा वो वीक एसोसिएशन होगा और वो जल्दी से स्विच ऑन स्विच ऑफ हो सकता है। वहाँ भी स्विच ऑन स्विच ऑफ होगा लेकिन वीक इंट्रैक्शन है, नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शन। यहाँ कोवेलेंट इंट्रैक्शन है, स्टेबल है। अब आ रहे हैं यहाँ पर क्या होगा कि जैसे एक एंजाइम है, वो एंजाइम पर अगर ये ऑन कंडीशन में एक्टिव है, सपोज ये एक्टिव है तो ये किसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा होगा। अब ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए तो इसको स्विच ऑफ करना है, एक्टिव से इनएक्टिव करना है। तो इनएक्टिव से करने के लिए क्या करेंगे, हो सकता है इसके अंदर फॉस्फोरिलेशन ऐड कर देंगे। तो फॉस्फोरिलेशन ऐड करने की वजह से ये क्या हो जाएगा, इनएक्टिव बल्कि ग्रुप हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा उसके ऊपर, क्योंकि फॉस्फेट नेगेटिव चार्ज हो सकता है। या वाइस वर्सा हो सकता है कि ये इनएक्टिव पहले से थे, इनएक्टिव थे, अब सपोज ये एंजाइम है जिसमें फॉस्फोरिलेशन है और ये इनएक्टिव है, अब इनको एक्टिव करना है क्योंकि प्रोडक्ट सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट कन्वर्ट कराना है, तो सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट कन्वर्ट कराना है तो इनको एक्टिव करना होगा। प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो गया तो अब यहाँ पर इसको हम लोग रिमूव कर देंगे, इसको डीफॉस्फोरिलेशन कर देंगे। जैसे यहाँ एडिशन ऑफ फॉस्फेट हुआ है, यहाँ क्या हुआ है एडिशन ऑफ फॉस्फेट, तो फॉस्फेट से क्या हुआ, इन एक्टिव से इनएक्टिव, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। एडिशन ऑफ फॉस्फेट को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉस्फोराइलेशन। अब इनएक्टिव थे और इनको एक्टिव करना है तो हम लोग क्या करना होगा, रिमूवल ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। रिमूवल ऑफ फॉस्फेट ग्रुप का मतलब हो गया डीफॉस्फोरिलेशन। ठीक है, तो ये रिमूवल ऑफ फॉस्फेट ग्रुप होगा। अब ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, एडिशन करने सिर्फ एडिशन करने से स्विच ऑफ नहीं होता, समटाइम रिमूवल ऑफ फॉस्फेट से स्विच ऑफ हो जाते हैं, वो डिपेंड करता है एंजाइम कैसा है। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पर समझते हैं हम लोग जो इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछता है। एक एंजाइम है जिसका नाम है ग्लाइकोजेन फॉस्फोरिलेज,
फॉस्फोरिलेज। ये एंजाइम के दो फॉर्म हैं, ए फॉर्म और बी फॉर्म। ए फॉर्म एक्टिव फॉर्म है और बी फॉर्म इनएक्टिव फॉर्म है, इनएक्टिव फॉर्म। अब यहाँ पर ये इनका फंक्शन क्या है, किसी सब्सट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते होंगे डेफिनेटली। ये एलास्टेरिक एंजाइम है, ये रेगुलेटरी एंजाइम है, ठीक है, तभी इसके ऊपर ये हो रहा है। सब्सट्रेट टू प्रोडक्ट कन्वर्ट होगा। सब्सट्रेट यहाँ पर क्या है, ग्लाइकोजन, और प्रोडक्ट क्या है, ग्लूकोज वन फॉस्फेट। तो सारे ग्लूकोज को ग्लूकोज वन फॉस्फेट में कन्वर्ट करेगा और ये फिर ग्लाइकोलाइसिस में जाएगा और ग्लाइकोलाइसिस से एटीपी और एनएडीएच फॉर्म करेगा और पाइरुविक एसिड। यानी जब एनर्जी की ज़रूरत है तब ये प्रोसेस होगा, तब ये एंजाइम एक्टिव होंगे, ठीक है। तो सपोज अभी यहाँ पर सपोज ये ग्लाइकोजन जो है, ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज इनएक्टिव फॉर्म में, तो इनएक्टिव फॉर्म में कौन सा होगा, बी फॉर, बी फॉर्म में, ठीक है। तो बी फॉर्म में है तब ये अभी इनएक्टिव में, अब इनको एक्टिव करना है, यानी अब एटीपी का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया बॉडी में, बहुत ड्रॉप कर गया, तो ग्लाइकोजन स्टार्ट करना है, तो उसके लिए ग्लूकोज चाहिए। तो यहाँ पर लीवर में ग्लाइकोजन जो रखे हुए हैं, उस ग्लाइकोजन को लिया गया और उसको कन्वर्ट कर दिया गया ग्लूकोज वन फॉस्फेट में, ठीक है। तो उसके लिए एक एंजाइम चाहिए, ये एंजाइम, लेकिन ये एंजाइम तो इनएक्टिव में, तो उसको एक्टिव करना होगा, और एक्टिव फॉर्म कौन सा है, बी से ए फॉर्म, ए फॉर्म एक्टिव फॉर्म है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि इस पर फॉस्फोरिलेशन करना होगा, फॉस्फेट ग्रुप ऐड करना होगा, तब ये बी फॉर्म से, तो जब फॉस्फोरिलेशन होगा तब ये बी फॉर्म से ए फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो ग्लाइकोजन एंजाइम होगा वो फॉस्फेट एडिशन होगा, ठीक है। अब ये दो सब यूनिट के होते हैं, कौन, ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज, ये इस तरीके से होता है। तो अभी बी फॉर्म में है तो यहाँ कोई भी आइडेंटिकल सब यूनिट है, और इसके सेवन्थ पोजिशन पर सेरीन होता है, और सेरीन में ओ एच है, आपको मालूम है ये दोनों आइडेंटिकल है, तो ये ऐसे ही होगा, सेरीन और साइड चेन में ओ एच, सेरीन के साइड चेन में ओ एच होता है। तो ये बी फॉर्म है, बी फॉर्म में यहाँ पर फॉस्फोरिलेशन नहीं हो रहा है, लेकिन बी फॉर्म से जैसे ही ए फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये दोनों सब यूनिट में जो सेरीन थे उसके सेरीन में ओ एच हैं, और ओ एच पर अब क्या होगा, एडिशन ऑफ एटीपी, और एटीपी जैसे एटीपी हो गया, ये बी फॉर्म से ए फॉर्म में हो गया। यहाँ कभी कैपिटल लिख दे रहा हूँ, कभी स्मॉल लिख रहा हूँ, उससे कोई फर्क नहीं है, ये एक्टिव फॉर्म में हो गया, ये इनएक्टिव थे। तो इनएक्टिव से एक्टिव करने के लिए एडिशन ऑफ फॉस्फेट चाहिए, यानी यहाँ पर अब एटीपी लिख दिया, बेसिकली एटीपी नहीं होगा, ये फॉस्फेट होगा, यहाँ पर एडिशन ऑफ एटीपी। तो ये जब ऐड करेंगे एटीपी, तो एटीपी किस में कन्वर्ट करेगा, एडीपी प्लस पीआई, तो ये पीआई एक यहाँ ऐड हो जाएगा और दूसरा वाला पीआई यहाँ ऐड हो जाएगा, जिसकी वजह से ये एक्टिव हो गया, और एक्टिव हो गया तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया, ये वाला यहाँ काम करने लगा और ये फिर ग्लाइकोलाइसिस में जाने लगे। तो ये इस तरीके से एक्टिव होता है। अब इसको इनएक्टिव करना है, सपोज इनको इसको इनएक्टिव करना है, तो फिर कैसे करेंगे। सपोज अब हम लोग इनएक्टिव की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में बन गया है ग्लूकोज, ठीक है, अब इनको एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, इनएक्टिव, एम्पल अमाउंट में एनर्जी हो गया, एनर्जी बहुत ज़्यादा हो गया, तो अब इस प्रोसेस को, पाथवे को बंद करना है, तो क्या करेंगे, ग्लाइकोजन जो फॉस्फोरिलेज है, जो ए फॉर्म में, एक्टिव फॉर्म में, उसमें माइनस कर देंगे फॉस्फेट। तो फॉस्फेट जब माइनस करेंगे तो ग्लाइकोजन जो फॉस्फोरिलेज होगा एंजाइम, फॉस्फोरिलेज वो बी फॉर्म में आ जाएगा, और बी फॉर्म में हम लोग बोलेंगे इनएक्टिव, यानी एक्टिव से इनएक्टिव हो गया। तो इसको कैसे कर सकते हैं, डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू अगर दिखाएं तो इसको ऐसे कर सकते हैं, ये एक सब यूनिट है, ये दो सब यूनिट है, दोनों आइडेंटिकल सब यूनिट है, यहाँ पे सेरीन है, यहाँ पे सेरीन है, इसका ओ एच है, इसका ओ एच है, और यहाँ पे फॉस्फेटेड है,
ठीक है, फॉस्फेटेड है, तो ये वाला ए फॉर्म का है, ए फॉर्म। अब यहाँ पर माइनस फॉस्फेट हो गया, कितने नंबर, दो हैं, दोनों से माइनस हो गया, तो अब ये इनएक्टिव में कन्वर्ट कर जाएंगे, सिर्फ सेरीन आ गया और ओएच है, यहाँ पर सेरीन है और ओएच है, ये क्या हो गया इनएक्टिव और ये एक्टिव बी फॉर्म। तो ये वाला अच्छा अब आ रहे हैं यहाँ पर, तो एक्टिव इनएक्टिव कैसे, फॉस्फोरेशन डीफॉस्फोरेशन हो रहा है, स्विच ऑफ हो रहा है, ये समझ में आ गया, स्विच ऑफ और ये स्विच ऑन, ये स्विच ऑन या ऊपर वाला स्विच ऑन, ये स्विच ऑन, ठीक। चलिए यहाँ पर हो गया, तो स्विच ऑन से स्विच ऑफ कैसे हुआ ये समझ में आया, और स्विच ऑन कैसे हुआ स्विच ऑफ से, ये भी समझ में आ गया। अब एक चीज और इसमें बता रहा हूँ कि ये जो एडिशन ऑफ फॉस्फेट और रिमूवल ऑफ फॉस्फेट करता होता है एंजाइम से, अनदर एंजाइम से, ये तो खुद एक एंजाइम है, ग्लाइकोजन फॉस्फोरस क्या है, खुद एक एंजाइम है, लेकिन फॉस्फेट का जो एडिशन है या रिमूवल है उसके लिए अनदर एंजाइम चाहिए, और वो एंजाइम का नाम है फॉस्फेटेज। अगर रिमूवल ऑफ फॉस्फेट हो रहा है, ये क्या करता है रिमूवल ऑफ फॉस्फेट, बस इतना ही समझना है। और ऊपर वाला जो यहाँ पर है एडिशन ऑफ फॉस्फेट जो कर रहा है, यहाँ पर एड ऑन कर रहा फॉस्फेट, ये इसको हम लोग बोलेंगे प्रोटीन काइनेज, काइनेज ये एडिशन ऑफ फॉस्फेट करता है, बस इतना समझना है। चलिए तो ये हो गया फॉस्फोरेशन डीफॉस्फोरेशन से कैसे ये स्विच ऑन और स्विच ऑफ हो रहा है। अब हम लोग लास्ट आ रहे हैं थर्ड टाइप रेगुलेशन में, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज, यस प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज। इसके अंदर आता है डाइजेस्टिव एंजाइम, जिसको हम लोग बोलते हैं जाइमोजेन, इसको क्या बोलते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम। जैसे पेप्सिनोजेन, ये हमारे बॉडी में पेप्सिनोजेन ये डाइजेस्टिव एंजाइम है, जब ये इनएक्टिव है और इनएक्टिव से जब एक्टिव होता है तो वो बनता है पेप्सिन, तो पेप्सिन में कुछ पेप्टाइड सीक्वेंस क्या होते हैं रिमूव हो जाते हैं, कहाँ से पेप्सिनोजेन से, तो इनएक्टिव से एक्टिव में कन्वर्ट करता है। इसी तरीके से ट्रिप्सिनोजेन है, ट्रिप्सिनोजेन, और फिर ये ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, और फिर यह कुछ पेप्टाइड सीक्वेंस सेपरेट होंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटीलाइटिक क्लीवेज, ये क्लीव करके कुछ होगा। जैसे हमारे बॉल पेन है, पेन है, पेन के ऊपर में एक कैप लगा रहता है, अदरवाइज वो नीब या पॉइंटेड जो जिससे हम लोग लिखते हैं वो मार्क पॉइंटेड जो नीब रहता है वो ख़राब हो जाएगा, तो उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए कैप दे देते हैं। तो जब इसको एक्टिव करना है, यानी लिखना है, जब नीब को एक्सपोज करना है, जब लिखना है, तो कैप को हटाना पड़ता है, वही चीज़ है, कैप को हटा दिया तो ये एक्टिव हो गया, ये एक्टिव हो गया। जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम हैं वो सब इसी तरीके से प्रोटीलाइटिक क्लीवेज होता है, जिसकी वजह से वो इनएक्टिव से एक्टिव होते हैं। लेकिन एक बार जब एक्टिव हो गए तो अब वापस से रिवर्सिबल प्रोसेस से ये इनएक्टिव नहीं हो सकते, ये परमानेंट है, परमानेंट है। तो अब इनको इनएक्टिव कैसे करना है, इनएक्टिव करने का तरीका ये है कि इनको डिग्रेड कर दीजिए, पूरा का पूरा कंप्लीट डिग्रेड कर दीजिए, या फिर ट्रिप्सिन इनहिबिटर आता है, दूसरा तरीके से ये है ट्रिप्सिन इनहिबिटर, एक दूसरा प्रोटीन है, वो प्रोटीन इसके साथ में बाइंड कर जाएगा और उसको ब्लॉक कर देगा इसके फंक्शन को, लेकिन वो वापस से ट्रिप्सिनोजेन में नहीं कन्वर्ट हो सकते, तो या तो डिग्रेड हो जाएंगे या ट्रिप्सिन उसका इनहिबिटर आएगा, उसको बोलते हैं इनहिबिटर। तो ऐसा करने का ज़रूरी क्यों है, तो जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम बेसिकली ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जब उनको हमारे बॉडी में स्टमक में इंटेस्टाइन में जब फूड गया तभी ये इनएक्टिव से एक्टिव होंगे, और ये डायरेक्टली फूड पर एक्ट करते हैं, फूड में बहुत सारे प्रोटीन, ये प्रोटीज, ये सब क्या है प्रोटीज हैं,
जो प्रोटीन पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, तो ये फूड में रखे हुए प्रोटीन को डिग्रेड करेंगे और उसको डाइजेस्ट करने में करते हैं। अगर ये पहले से एक्टिव रहेंगे और फूड हमारे बॉडी में नहीं रहा, तब किसको डाइजेस्ट कर देंगे? तब ये हमारे इंटेस्टाइन के इनर सेल को ही डाइजेस्ट करके वहाँ से प्रोटीन ले लेंगे, जिसकी वजह से हमारा खुद का ऑटो डैमेज हो सकता है। तो उससे बचने के लिए नेचर ने क्या किया, इसको पहले से इनएक्टिव करके रखा। जब फूड आएगा और फूड आएगा तब सिग्नल हो जाएगा और सिग्नल जाएगा तो ये इनएक्टिव से एक्टिव होंगे। फूड जब नहीं है तो इनको डिग्रेड कर दिया गया, ठीक है, या इनएक्टिव करके रखा गया ट्रिप्सिन इनहिबिटर से। होप सो ये समझा, बस ये तीन प्रोसेस समझना है। इसी के साथ में ये आज का हम लोग सेशन कंप्लीट करते हैं। हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया ये पाथवे, ये भी पूरा पाथवे हो गया, टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। तो सेक्शन यहाँ पर सेक्शन सेवन कंप्लीट हो गया, सेक्शन फोर कंप्लीट हो गया और सेक्शन नाइन ये भी कंप्लीट हो गया। तीन सेक्शन को मैंने कंप्लीट करा दिया। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग नया सेक्शन स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग नया सेक्शन को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।